काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से अपना ही YouTube चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटर प्लानर स्पेसिंग। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये इंटर प्लानर स्पेसिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग इसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में हम लोग इस पर बेस्ट यानी कि इंटर प्लानर स्पेसिंग पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं कुछ इस प्रकार से कि प्रत्येक एटम का जो सराउंडिंग्स एटम्स होते हैं, पड़ोसी में जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होता है। ऐसा प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया एक्स, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया वाई, और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया जेड। तो आपको पता है कि अगर इन सभी को मिलाते हुए अगर हम लोग प्लेन्स ड्रॉ करें तो यहाँ बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सब नहीं हम लोग दिखाएंगे, बस दो प्लेन्स हम लोग दिखाएंगे जिसके लिए जिससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो पहला एक प्लेन्स इस तरह से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि ये इसका ओरिजिन से यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इसका ओरिजिन से। तो चलिए हम लोग एक ड्रॉ इस तरह से कर लें कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से जा रहा है, और एक प्लेन हम लोग इसका जो एडजेसेंट लेयर है मतलब एडजेसेंट प्लेन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो इसका पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक हम लोग प्लेन यहां से इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहां दो बातें आया, पहला दो प्लेन एक ही पैरेलल सेट ऑफ प्लेन से लिए हैं जिसमें से एक प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से जा रहा है और दूसरा उसका एडजेसेंट भी है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को डी से दिखाएंगे हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर प्लानर स्पेसिंग। फील आया, समझ आया कि ये इंटर प्लानर स्पेसिंग है क्या, इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि इंटर प्लानर स्पेसिंग इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सच अ प्लेन फ्रॉम अदर एडजेसेंट पैरेलल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से पास करना चाहिए एक प्लेन को। देखिए फर्स्ट प्लेन हमारा ये हो गया, नहीं फर्स्ट प्लेन हमारा ये हो गया, और ये वो प्लेन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इसका पैरेलल भी है, ठीक है। तो ये था इसका डेफिनेशन। फील आया आपको, फील आना चाहिए, फिजिक्स का फील है तो आप डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटर प्लानर स्पेसिंग का एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर इंटर प्लानर स्पेसिंग, ठीक है, इंटर प्लानर स्पेसिंग का एक्सप्रेशन ही, इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तीन गो परपेंडिकुलर म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन लेना पड़ेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये बात आपको पता है, मान लीजिए इसका नाम ओरिजिन तो ओ से ही होगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो फर्स्ट काम हम लोगों ने क्या किया, लेट किया, लेट ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड बी द क्या थ्री थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विच फॉर्म्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को बनाते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, दो प्लेन कंसिडर करेंगे, किस तरह से कंसिडर करेंगे, आइए पहले हम लोग रफ आकृति बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एग्जाम में बनाना है वो भी हम लोग बनाएंगे। तो डेफिनेशन कहता है कि दो प्लेन होना चाहिए, ठीक है, दो प्लेन हम लोग बना लिए जिसमें से एक आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट प्लेन है जो कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से। एक और प्लेन हम लोग कंसिडर करेंगे जो इसका पैरेलल होगा, पैरेलल है और वो
ओरिजिन्स नहीं, उसका ऊपर से जा रहा है पैरेलल, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, हम लोगों ने मान लिया। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का फिगर तो हम लोग पूरा नहीं दिखा सकते हैं। देखिए देखिए हम लोग इसको 3D में थोड़ा सा समझते हैं, 3D में इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का एक फिगर है, इस तरह का यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की ओर, लेकिन बोर्ड में बाहर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोगों को एक प्लेन हम लोगों को लेना है, प्लेन्स जो रहेगा वो कुछ यहाँ पर इस तरह से, एक तो पैरेलल यहाँ ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वाई को भी करेगा और जेड को भी करेगा, ठीक। फिल 3D में लेना है, ठीक है, बाकी बनाना तो 2D में ही है। अब देखिए ये जो है वो इस तरह से यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, देखिए, और एक यहाँ ले लेते हैं, बाकी जो है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, बाकी जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ओरिजिनल डायग्राम जो है हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। किस तरह से, देखिए ये ट्रायंगुलर आकार का जो है इस तरह का हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो गया, इसको सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का फिगर हम लोगों को कंसीडर करना है। दो प्लेन फिल आया, पहला प्लेन इसका ओरिजिन से जा रहा है जो नहीं दिख रहा है, दूसरा प्लेन उसका पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, यहां पर मान लीजिए कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, यहां से ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, 3D में देख रहे थे तो एक ओरिजिन से एक उसको ऊपर में था, तो यहाँ पर कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर जो इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे इसका डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक है, इसका नाम हम लोग मान लेते हैं एन है। अब बारी आता है कि दो प्लेन कंसिडर किए, एक ओरिजिन से पास करा, एक उसका पैरेलल, तो उसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको लिख लेते हैं, कंसिडर टू पैरेलल प्लेन लिखते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स इन विच वन प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड अदर प्लेन इज पैरेलल टू डैट प्लेन, ठीक है, जो ओरिजिन से जा रहा है उस प्लेन के पैरेलल है दूसरा प्लेन। हम लोग क्या करेंगे, द प्लेन विच डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन इज एबीसी, जो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा उसको हम लोगों ने एबीसी मान लिया है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, एबीसी है, ठीक है, एबीसी हम लोगों ने उसको मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट एच के एल बी द मिलर इंडिसेस, क्या है, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन एबीसी, ये एबीसी का भी होगा और उसके पैरेलल जितना प्लेन्स है उसका भी मिलर इंडिसेस सेम ही रहता है, पैरेलल प्लेन्स का मिलर इंडिसेस सेम ही रहता है। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। मिलर इंडिसेस है क्या आपको पता होना चाहिए, ये लिखना नहीं है अभी, आप लिखिएगा नहीं, ठीक है, इधर हम लोग अभी रफ हम लोग कर रहे हैं, ये आप लिख लिए होंगे। चलिए तो ऊपर में हम लोग पहले मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर में हम लोग क्या कर लिए, रफ कर लिए, पूरा मिटा देते हैं, उसके बाद शायद यहाँ तक दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए अगर HKL जो है, HKL आपका मिलर इंडिसेस है, क्या है, मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस क्या है, रेसिप्रोकल होता है इंटरसेक्ट का, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इंटरसेक्ट वो है हमारा क्या,
यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मिलर इंडेसिस का, मिलर इंडेसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक्सिस, एक्सिस हम लोग ले लिए एक्स वाई जेड। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं मिलर इंडेसिस। तो देखिए, अगर एक प्लेन आपको दे दिया जाए जो एक्स एक्सिस को 2 पर इंटरसेक्ट करता है और वाई एक्सिस को 3 पर इंटरसेक्ट करता है और जेड एक्सिस को भी 2 पर इंटरसेक्ट करता है, तो मिलर इंडेसिस क्या है? इसका मिलर इंडेसिस निकालने का जो प्रोसेस है, हम सबसे पहले हम लोग उसका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और 4 का 2 का रेसिप्रोकल कितना? 1/2। उसके बाद इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसको हम लोग 6 से गुना कर देंगे इसका एलसीएम से। तो ये हमारा 3 2 2 और इसी को हम लोग इनक्लोज करते हैं और मिलर इंडेसिस मिलता है। एक्चुअली अगर जनरल में देखा जाए तो सिंपलेस्ट करने के लिए हम लोग इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अगर वो सिंपलेस्ट रहता तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल रहता। फील आया? फील आया? नहीं आया? आप इसको ऐसे समझिए, वन है ये, वन, वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है, तो वन का रेसिप्रोकल वन ही होगा। तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो वन का रेसिप्रोकल वन हो गया, मतलब कि इंटरसेक्ट वन था उसको रेसिप्रोकल किए, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल गया? मिलर इंडिसेस। क्या मिल गया? मिलर इंडिसेस। अगर ये इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता तो हम लोग उसका एलसीएम लेते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, तो इस तरह का हमको डाटा मिलता। लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात करें तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करने से, इंटरसेक्ट का रेसिप्रोकल करने से हम लोगों को मिलता है मिलर इंडिसेस। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि ना हो तो उसका एलसीएम से हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए, मान क्या लीजिए, दिया हुआ हम लोग यहां पर मान लिए, ठीक है, एच के एल हमारा क्या है, मिलर इंडिसेस नीचे दिया हुआ है, ठीक है। नीचे मिलर इंडिसेस को हम लोग क्या माने, एच माने हैं और के माने हम इसका और एल माने इसको, ठीक है, जेड एक्सिस को। अगर इसका रेसिप्रोकल हम लोग करें तो इंटरसेक्ट मिलेगा, मिलेगा। तो इसका रेसिप्रोकल 1/h तो हमको क्या दे रहा है, इंटरसेक्ट दे रहा है। उसके बाद K का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/k और L का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/l आएगा। अब बात कर लेते हैं अगर इसमें यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर का बात कर लेते हैं, तो x एक्सिस में a होता है, y एक्सिस में b होता है और z एक्सिस में c होता है। तो ये हमारा इंटरसेक्ट मिला। इंटरसेक्ट कहाँ से मिला? ये जो दिया हम लोगों ने मिलर इंडिसेस माना है प्लेन एबीसी का, उसका रेसिप्रोकल उसका इंटरसेक्ट देगा। इंटरसेक्ट का रेसिप्रोकल मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बाई एच पर एक्स एक्सिस को। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, एक्स एक्सिस का हमारा है ए बाई एच, वाई जीरो जीरो हो जाएगा इसमें, वाई और जेड जीरो जीरो हो जाएगा। B का बात करें तो x 0 ले लेंगे हम लोग। इसका इंटरसेक्ट जो कर रहा है B, B बाई क्या हो जाएगा, k और z यहाँ 0। यहाँ पर बात करें तो इसका C बाई एल हो जाएगा, तो 0 0 C बाई एल, ये फील आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C आर। ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, ए का हम लोगों ने निकाला ए बाई एच 0 0, फिर बी का हम लोगों ने निकाला 0, फिर बी बाई के फिर 0 एंड सी का हम लोगों ने क्या निकाला 0 0 सी बाई एल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इंटरसेक्ट्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब बारी आता है इसके आगे का प्रोसेस करने का। तो उन्हें ओ एन माना है डिस्टेंस, तो क्या यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ओ एन बराबर हम लोगों ने क्या लिया है, डी लिया है, और ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, इंटरप्लानर डिस्टेंस ही है ये, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लान एंड और मानेंगे यहाँ पर क्या, अल्फा बीटा एंड गामा, बी द एंगल, बी द एंगल मेड 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 बाई ओ एन विथ विथ द
ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ओ एन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ कितना गामा एंगल। यहां से ये पूरा जेड एक्सिस के साथ, यानी कि यहां पर ये अगर ऐसे रहता तो ये यहां से एंगल ये होता। ठीक है, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है तो ये हमारा क्या है गामा। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं लेकिन मिलाना पड़ेगा हमको, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिला लेते हैं। ए से हम लोग इस पॉइंट को मिला लेंगे, कुछ इस तरह से मिलेगा। बी से भी इस प्लेन को हम लोग मिला लेंगे, और यहां से इससे भी मिलाना पड़ेगा, तो ये कोइंसाइड कर रहा है तो आप इसको समझ लेंगे। इसको हम लोग क्या किए मिला लेंगे। ठीक है, ये फिगर थोड़ा गंदा हो गया है, तो फिगर जो आपको बनाना है वो थोड़ा इस तरह से बनाइएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, यहाँ पर इसको लीजिएगा तो क्या होगा कि हम लोग जब यहाँ से इसको मिलाएंगे ना इस तरह से तो कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से नीचे ले लीजिएगा, हम थोड़ा सा बराबर में हो गया इसीलिए थोड़ा गड़बड़ाया, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग रिजल्ट तक पहुँचने वाले हैं। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। ठीक है, कोस गामा बी द डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन, डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन। ठीक, कोसाइन डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, तो ये डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस हो गया। तो अब हम लोग यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कोसाइन। कोसाइन का एक लॉ है जिसमें कहता है कि कोस अल्फा स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हम लोग करें, कोस स्क्वायर गामा करेंगे और तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वन के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन वन, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया इक्वेशन वन। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ओ एन ए में, यहां लिखेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री, तो यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा ओ एन ए राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल को मिटाइए शॉर्टकट मिलेगी, ट्रायंगल ओ एन ए में हम लोग अब बात करने वाले हैं और यूज करेंगे यहां पर हम लोग क्या कोस अल्फा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोगों ने यूज किया है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, यहां पर परपेंडिकुलर है, यहां पर हमारा एन है और ये शॉर्टकट है तो यहां ओ हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या है ए है, इस तरह का है। अब देखिए ओ से एन के बीच का दूरी हम लोग डी लिए हैं, और जो यहां पर है कहां पर ओ पर बन रहा है अल्फा एंगल, तो अल्फा लेंगे तो ये बेस और हाइपोटेनस, यानी कि ओ एन अपॉन ओ ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को यहां से देखिए ओ एन का वैल्यू हम लोगों को पता है, कोस अल्फा ओ एन का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है डी है, और ओ ए का वैल्यू यहां से यहां तक जो लेंथ है वो यही दिखा रहा है ए बाय एच। ठीक है, तो वो हो जाएगा ए अपॉन एच, तो यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, कोस अल्फा बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ये एच ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा एच डी और नीचे हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला क्या कोस अल्फा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कोस बीटा का, तो कोस बीटा में देखिए यहां पर एच है अल्फा के साथ ए, एक्स एक्सिस में जो था एच के एल तक के हो जाएगा, एच अब क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा के, और डी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ए वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा यहां पर ए था तो हो गया ही बी, एंड कोस गामा जो है, कोस गामा जो है वो आपका, और कोस गामा जो है वो क्या हो जाएगा एच के एल हो जाएगा, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा एच के एल, एल हो गया और एल डी तो सेम रहेगा और ए बी यहाँ क्या हो जाएगा सी। तो हम लोगों ने कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा का वैल्यू निकाला है, अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कोस अल्फा
कोस बीटा एंड कोस गामा इन इक्वेशन वन वी गेट, तब हम लोग को प्राप्त होगा क्या, जो प्राप्त होगा उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हमारा एच डी और नीचे में है ए, इसका होल स्क्वायर कोस का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें, फिर प्लस प्लस देंगे कोस बीटा का, बीटा का क्या हो जाएगा के डी अपॉन बी होल स्क्वायर, प्लस गामा का, कोस गामा का वैल्यू कितना है, कोस गामा का एल डी अपॉन सी, तो यहाँ स्क्वायर सबसे पहले एल डी अपॉन सी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ कोस अल्फा का वैल्यू, कोस बीटा का वैल्यू और कोस गामा का वैल्यू स्क्वायर था, तो स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो इक्वल टू वन आएगा। अब यहाँ तक का काम हो गया खत्म, बस क्षणिक टाइम में हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स लगेगा और आंसर तक पहुँचेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर एच डी का स्क्वायर और नीचे ए का स्क्वायर, प्लस के का स्क्वायर डी का स्क्वायर नीचे बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर डी का स्क्वायर नीचे सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या वन। अब देखिए यहाँ डी 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 का स्क्वायर सब में है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा डी का स्क्वायर, तो बचेगा क्या एच का स्क्वायर ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा के का स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी का स्क्वायर, यहाँ बचेगा एल का स्क्वायर और अपॉन में सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा वन। अब हमको निकालना है क्या, डी निकालना है, डी ही निकालना है, तो ये पूरा को इस पूरे बिग ब्रैकेट को हम लोग वन के अपॉन में ले जाएंगे, यानी कि नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या वन बाय एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा बिग ब्रैकेट सहित आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर निकालना है, मतलब स्क्वायर है इसीलिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे हम लोग, टेकिंग रूट रूट ऑन बोथ दी साइड दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे रूट ले लेंगे, ठीक है साइड्स, तो इधर रूट लेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट लेंगे तो वन अपॉन नीचे दिख रहा है दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा रूट के इनसाइड हो गया, थोड़ा सा ऊपर एक लाइन दो लाइन और जरूरत पड़ेगा, ये यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा डी स्क्वायर रूट खत्म, वन का स्क्वायर रूट वन होता है और नीचे कुछ नहीं हो पाएगा नीचे का, तो इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्ट लिखेंगे एच स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर, ठीक है प्लस ऊपर में एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन आपका इंटरप्लानर स्पेसिंग का, अगर एग्जाम में आता है एक्सप्रेशन फॉर इंटरप्लानर स्पेसिंग, तो यहाँ तक आप बना करके आएंगे। आगे हम लोग और बढ़ा सकते हैं, लिखेंगे क्या फोर क्यूबिक क्रिस्टल, क्रिस्टल या सिस्टम, ठीक है क्यूबिक सिस्टम अगर रहा तो उस केस में क्या होगा ए बराबर बी बराबर सी, तीनों एज जो होता है क्यूब का वो सेम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे तीनों को बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो d का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वन अपॉन एच स्क्वायर नीचे में ए स्क्वायर, सबको a लिख देंगे, ठीक है सबको a लिख दीजिए प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए ये रूट के अंदर है, अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो वन बाई रुकिए अंदर में ही ले लेते हैं, तो वन बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा क्या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ के बाद क्या होगा कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट में क्या बचेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इसका बटम में था अभी भी बटम रहेगा लेकिन बाहर आ जाएगा। अब ये डी है, अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग बात करें इसलिए अगर डी निकालना चाहे, देखिए ए बटा का बटा तो ऊपर चल जाएगा तो ए और नीचे में क्या बचा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर थी, ये फाइनल रिजल्ट हम लोगों का क्यूबिक सिस्टम के लिए। एग्जाम में यहाँ तक आप बना के आइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ तक आप उसको बना लेना है, ठीक है हमने कहा था कि नॉमिनल भी देखेंगे तो एक नॉमिनल हम लोग देख लेते हैं, फाइंड इंटर प्लानर स्पेसिंग ऑफ ए प्लेन हैविंग वन मिलर इंडिसेस एंड
एज ऑफ क्यूब इज सॉल्यूशन अगर हम लोग को करना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि गिवेन डैट दिया हुआ है क्या मिलर इंडिसेस, ठीक है, मिलर इंडिसेस जो है वो है 1, 1, 1. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर 1 हो जाएगा, के बराबर भी 1 हो जाएगा एंड एल बराबर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. अब हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि जो डी होता है वो होता है ए अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये वाला फार्मूला, ठीक है. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एल के एंड एच, सॉरी एच के एंड एल, ठीक, तब क्या होगा, डी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट का अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1. देखिए यहाँ से जो हम लोगों का डी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ए अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, रूट अंडर कितना हो जाएगा 3. तो यहाँ पर आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर इसको आप आगे भी बढ़ाना चाहे तो आप कर सकते हैं डी इक्वल टू ए बाई रूट 3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.73. बस इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर साइड दिया हुआ है तो कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अगर एज लेंथ नहीं दिया हुआ है क्यूब का तो फिर यहीं छोड़ना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बरसाते रहिए. जय हिंद.